सुधारने की जरूरत है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब कुछ ही दिन बचे हैं और देश और दुनिया में इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह योग को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी है, उससे काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने योग को अब अपने रोजगार के रूप में अपना लिया है। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं योग गुरु विष्णु शंकर, जिन्होंने अपने को पूरी तरह से योग के प्रति समर्पित कर दिया है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की यह खास रिपोर्ट। ये हैं योग गुरु विष्णु शंकर मिश्रा, जिन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए के व्यवसाय को छोड़कर अब योग को ही अपने जीवन में पूरी तरह से अपना लिया है। सुबह से लेकर शाम तक इनकी दिनचर्या केवल योग को ही समर्पित है। कहां और कैसे मिली इन्हें योग के प्रति प्रेरणा, हमने इन्हीं से जाना। मेरा रुझान इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मैंने सोचा जब ये 2-3 महीने के अभ्यास से इतना लाभ है, यदि मैं इसको और करूं तो कितना लाभ होगा। तो धीरे धीरे मैं इसी को सीखने में, इसी को जानने में, योगाभ्यास करने में पूरी तरह से समर्पित हो गया। फिर धीरे धीरे ये भी पता चला कि इसके थ्रू हम अपने आजीविका का भी थोड़ा बहुत उपार्जन कर सकते हैं। तो बस लगा कि अब सीए छोड़ के इसी फील्ड में आ जाना चाहिए कि इसके जो और लाभ हैं वो हम और लोगों तक पहुंचा सकें, समाज तक पहुंचा सकें। इनके पास योग सीखने वालों में एक आईआईटी का छात्र भी है, जिनके जीवन में योग की वजह से काफी बदलाव आया है। मानसिक और शारीरिक दोनों संतुलन के लिए योग मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। मेरे को मानसिक संतुलन में थोड़ी दिक्कत थी, तो मैंने सोचा कि योग स्टार्ट करूं। लेकिन इसका रिजल्ट कुछ दिनों में नहीं, कुछ टाइम लगता है, लेकिन हाँ कुछ महीनों के बाद आप देखेंगे कि आपका मानसिक संतुलन काफ़ी सही रहेगा। और जो भी बाहर से आप जो चीज़ों से अफेक्ट होना हो रहे हैं तुम्हारे पास, तो वो चीज़ों से अफेक्ट नहीं होंगे। जैसे कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें योग के द्वारा संतुलन में आ जाती है। योग गुरु के नाम से मशहूर हो चुके विष्णु शंकर मिश्रा के पास हरियाणा के गुरुग्राम में हर दिन बहुत से युवक और युवतियां प्रशिक्षण के लिए आते हैं। यहां आने वाले ज्यादातर विद्यार्थी योग की बारीकियों और उसके महत्व को भी बखूबी समझते हैं। योग का अभ्यास करें तो निश्चित रूप से उनका मन आनंद से भरा हुआ रहेगा हर स्थिति में, और सहनशीलता उनमें काफी बढ़ जाएगी। योग हमारे सब लेवल पे वर्क करता है, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल एंड स्पिरिचुअल। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दी है, उससे इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं बढ़ी हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने योग को अपने रोजगार के रूप में भी अपना लिया है। योग गुरु विष्णु शंकर खुद तो योग के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुके हैं और अन्य लोगों को भी योग के प्रति जागरूक बनाने में जुटे हुए हैं, ताकि लोग मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD News, गुरुग्राम।